हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज हम लेसन 3 एमएस पेंट पढ़ेंगे। देखो बच्चों, एमएस पेंट में आपने पहले भी काम किया है, ठीक है? उसमें किस तरह से ड्राइंग्स क्रिएट करनी है, कैसे उसमें कलर करना है, ये आप जानते हैं, ठीक है? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चिल्ड्रंस, यू नो अबाउट द एमएस पेंट। आप एमएस पेंट के बारे में जानते हैं। एमएस पेंट इज़ अ प्रोग्राम इन विच यू कैन ड्रॉ सिंपल ड्राइंग by using the commands present at home tab on the ribbon, ठीक है? MS Paint क्या है? आपका एक प्रोग्राम है और इसमें क्या करते हैं आप, यहाँ पे किसी भी तरह की सिंपल ड्राइंग्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? और किसकी हेल्प से? by using the commands, ठीक है? कमांड्स की हेल्प से आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, आपका प्रेजेंट में आपका होम टैब आपको मिलता है। कहाँ पे? रिबन में आपको होम टैब मिलता है, ठीक है? परहैप्स यू डू नॉट नो दैट यू कैन आल्सो राइट टेक्स्ट इन सच अ स्टाइलिश वे एंड प्ले विद पिक्चर बाय फ्लिपिंग एंड रोटेटिंग देम, ठीक है? आप यहाँ पे टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, उसे किसी भी तरह का स्टाइल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है? और उसके अलावा आप यहाँ पिक्चर में पिक्चर को फ्लिप कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं। फ्लिपिंग का मतलब होता है कि पिक्चर में अगर आपको पिक्चर को फ्लिप करना है, जैसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में फ्लिप करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है? और अगर रोटेट करना चाहते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि जैसे लेफ्ट में राइट में आपको फ्लिप करना है या अप में या डाउन में आपको पिक्चर को फ्लिप करना है तो कर सकते हैं। उसी तरह से रोटेट क्या होता है कि रोटेट में जैसे आप पिक्चर को किसी जैसे 90 डिग्री में, सपोज आपकी पिक्चर है, आपको 80 डिग्री में करना है, 50, 45, जिस भी डिग्री में आप एंगल में आप मोड़ना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है? रोटेट कर सकते हैं। लेट अस रिव्यू द रिबन इन पेंट प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे ये आपके पास रिबन है, यहाँ पे देखिए आपके पास ये आपके टैब्स हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये देखिए ये आपके यहाँ पे टैब्स हैं, ठीक है? उसके अलावा ये पूरा जितना पार्ट है ये आपका ग्रुप्स है, ठीक है? यहाँ पे आपके देखिए ये कलर्स हैं, ठीक है? ये आपकी शेप्स है, इस तरह से यहाँ पे ये सब है, ठीक है? उसके अलावा अब देखिए यहाँ पे हम रिबन की हेल्प से यहाँ पे हम एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ड्राइंग एंड इमेज एंड इंसर्टिंग टेक्स्ट, हम यहाँ पे एक ड्राइंग बनाएंगे और टेक्स्ट भी इंसर्ट करेंगे, ठीक है? लेट अस draw an image of a car and learn about some new commands, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इमेज ड्रॉ करेंगे, एक कार की इमेज ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे कुछ न्यू कमांड्स को भी सीखेंगे। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो भी स्टेप्स हैं आप उन्हें फॉलो करेंगे, ठीक है? आपके पास जिसके पास भी लैपटॉप है, कंप्यूटर है, घर में डेस्कटॉप है, तो आप क्या करेंगे, आप ये पेंट एप्लीकेशन में जितने भी स्टेप्स लिखे गए हैं उसकी हेल्प से यहाँ पे एक कार डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या है, पे स्टेप 1, क्लिक होम टैब। आपको देखिए होम टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये आपको शो हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको बताया जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये होम टैब, ठीक है? यहाँ पे आपको स्टेप्स दिखाए गए हैं, ये स्टेप्स दिखा रहा है कि इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है? मतलब यहाँ पे शो भी हो रहा है स्टेप्स, स्टेप 1 क्लिक, कि आपको होम टैब पे क्लिक करना है, ठीक है? स्टेप 2, सेलेक्ट द पेंसिल टूल फ्रॉम टूल्स ग्रुप एंड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ कार, ठीक है? आपको यहाँ पे पेंसिल टूल मतलब टूल्स ग्रुप से आपने पेंसिल टूल सेलेक्ट किया, ठीक है? और यहाँ पे आपने पेंसिल टूल की हेल्प से एक कार ड्रॉ कर दी, ठीक है? स्टेप 3, ड्रॉ द सन एंड रोड बाय यूजिंग पेंसिल टूल। आपको यहाँ पे एक सन ड्रॉ करना है, एक आपको रोड ड्रॉ करनी है पेंसिल टूल की हेल्प से। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपने इतना कर लिया। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे स्टेप 4, क्लिक फिल विथ कलर फ्रॉम द टूल्स ग्रुप। आपको टूल्स ग्रुप से फिल विथ कलर को सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है आपको उसमें।
स्टेप 5 सेलेक्ट योर फेवरेट कलर फ्रॉम कलर्स ग्रुप एंड फिल कलर्स एज शोन इन द फिगर. आपको ये करना है, आपको यहाँ पे कोई जो आपका फेवरेट कलर है आपको वो सेलेक्ट करना है. ठीक है, जो भी यहाँ से आप अपना फेवरेट कलर सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, उसके अलावा देखिए ये रिबन आपका ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे आपके ऐसे आपके कलर्स हैं, आपको यहाँ से जो कलर पसंद है आप यहाँ से कलर को सेलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, तो आपने कलर सेलेक्ट किया. ठीक है, स्टेप 5 है आपका सेलेक्ट योर फेवरेट कलर फ्रॉम द कलर्स ग्रुप एंड फिल कलर्स एज शोन इन द फिगर. आप यहाँ पे कलर फिल करेंगे तो वो उस कलर हमें शो हो जाएगा, जो भी जहाँ पे भी आप कलर फिल करते हैं वो कलर हमें शो हो जाएगा. ठीक है, हम देख पाएंगे. स्टेप सिक्स से पहले क्या लिखा है, लेट अस ड्रॉ अ रेक्टेंगल कॉल आउट. आपको एक रेक्टेंगल कॉल आउट ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे तो देख लीजिए. स्टेप 6 में बताया है, सेलेक्ट रेक्टेंगुलर कॉल आउट फ्रॉम शेप्स ग्रुप. आपको शेप्स ग्रुप से रेक्टेंगल कॉल आउट को सेलेक्ट करना है. ठीक है, आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपने सेलेक्ट किया. उसके बाद क्या है, स्टेप सेवन है, ड्रैग द माउस टू ड्रॉ अ कॉल आउट जस्ट बिलो द पिक्चर ऑफ द कार. आपको ये करना है, जो आपने रेक्टेंगुलर सेलेक्ट किया है कॉल आउट शेप जो सेलेक्ट की है उसे आपको कहाँ करना है, जस्ट कार के नीचे आपको ड्रॉ कर देना है. ठीक है, लेट अस इंसर्ट द टेक्स्ट इन द कॉल आउट. आपको यहाँ पे करना है एक टेक्स्ट इंसर्ट करना, मतलब हमें टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है देख लीजिए. यहाँ पे स्टेप 8, क्लिक टेक्स्ट फ्रॉम टूल्स ग्रुप. आपको यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है. ठीक है, आप टेक्स्ट को जैसे सेलेक्ट करते हैं तो कहाँ से करेंगे, टूल ग्रुप से सेलेक्ट करते हैं. ड्रैग टू ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स इनसाइड द रेक्टेंगल. आपको ये करना है, जो टेक्स्ट बॉक्स आपको ड्रॉ करना है वो इस रेक्टेंगल जो आपने कार के नीचे रेक्टेंगल ड्रॉ किया था ना, रेक्टेंगुलर कॉल आउट ड्रॉ किया था, उसके अंदर आपको टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर देना है. ठीक है, जो आपने यहाँ पे कर चुका है, जो आपको दिखा रहे हैं स्टेप 8 दिखा रहे हैं, ड्रैग द टेक्स्ट बॉक्स. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो वाइल ड्रॉइंग्स अ कॉल आउट फॉर राइटिंग टेक्स्ट. ठीक है, आपके पास क्या है, जो आपने जैसे आपका आपको पता है आपका टेक्स्ट जो टूल है वो उसमें क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी राइट करना चाहते हैं राइट कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं वो आप उसके अंदर लिख सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए क्या है, टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करना ज़रूरी है. ठीक है, अ न्यू टेक्स्ट टैब अपेयर्स ऑन द रिबन. तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो आपके पास एक न्यू टैब इंसर्ट हो जाता है. देखिए यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है, पहले आपके पास केवल दो टैब थे, होम और व्यू, अब यहाँ पे एक न्यू टैब इंसर्ट हो गया, टेक्स्ट. ठीक है बच्चों, तो टेक्स्ट टैब यहाँ पे इंसर्ट हो गया. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर. आप फॉलोइंग पिक्चर में जैसे आप पिक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आपने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया तो तुरंत आप यहाँ पे अपने जो MS पेंट की स्क्रीन है वहाँ पे आप देख पाएंगे कि कैसे कैसे आपके पास जो एक टैब है वो चेंज हो जाता है, एक नया टैब खुल जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टू चेंज फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं. ठीक है, टेक्स्ट में किसी भी कोई फॉन्ट टेक्स्ट फॉन्ट चेंज कर सकते हैं. ठीक है, बोर्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये सब ऑप्शन है, आप इसकी हेल्प से टेक्स्ट में किसी भी तरह, ये टेक्स्ट के लिए है बेसिकली, टेक्स्ट में किसी भी तरह का चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्टेप 9, चूज कलर फॉन्ट स्टाइल साइज ऑफ टेक्स्ट ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द टैब टेक्स्ट. आपको टैब टेक्स्ट से अपने टेक्स्ट के लिए सुटेबल साइज फॉन्ट स्टाइल कलर ये सब आपको चूज करना है. ठीक है, वो आपकी चॉइस है, वो आप टेक्स्ट टैब से सेलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, स्टेप 10, टाइप योर पिक्चर्स नेम माय फेवरेट कार. अब आप यहाँ पे अपने पिक्चर का नेम टाइप करेंगे, माय फेवरेट कार. तो आपने यहाँ पे पिक्चर का नेम टाइप कर लिया. स्टेप 11, फिल द सुटेबल कलर इन द बैकग्राउंड बाय क्लिकिंग ऑन फिल विथ कलर ऑप्शन टू कंप्लीट द टास्क.
ठीक है। आप यहाँ पे करेंगे कोई भी, मतलब आप अपने पिक्चर में सुटेबल नेम दे देंगे अपने, सॉरी आप यहाँ पे क्या करेंगे, पिक्चर का जो बैकग्राउंड है उसे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सुटेबल कलर दे देंगे। आपने कहा कि यहाँ पे ये कलर ठीक है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग उस पिक्चर में कोई भी कलर फिल कर दिया, ठीक है, जो आपको लगता है हाँ ये सही है, तो वहाँ पे कलर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक कर देंगे जो कलर आपको चाहिए, जो कलर आपकी चॉइस है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपकी जो पिक्चर है, जो आपका टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको भी एक कार्ड ड्रॉ करनी है, सीखना है कि कैसे बनाना है इस तरीके से, क्लियर हो गया। इसे आप कोशिश करेंगे घर में करने की, ठीक है बच्चों, थैंक यू।